जैन दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी का। मेरा नाम है जी सुंगर, आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत दर्शन यात्रा के एक और नए ब्लॉग में। अभी आप सभी फिलहाल देख सकते हो, मैं हूँ कोयम्बतूर के कोयम्बतूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आप सभी को ले जाऊँगा भारत के कई प्राचीनों शहर में से एक शहर यानी मदुरई के मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन तक, और आप सभी को मदुरई का फेमस यानी मीनाक्षी टेम्पल का भी दर्शन कराऊँगा। तो चलिए, आज अपनी जो ट्रेन जर्नी होगी वो होगी कोयम्बतूर मदुरई इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते के सातों दिन मदुरई और कोयम्बतूर के बीच में चलती है। और ये रही अपनी मदुरई इंटरसिटी एक्सप्रेस, वैसे ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल में 2:40 पर निकलेगी और ठीक है, ये शाम को ही पहुँचा देगी 7:35 पर आप सभी को मदुरई में, जो कि हम आप सभी को दर्शन भी करा पाएंगे। बाकी इसमें जर्नी आप कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर एक कोच केवल ये जनरल ही है। आ चुके भाई साहब ट्रेन में, जो कि पूरी की पूरी खाली है, और इधर की ट्रेन तो भाई अधिक से अधिक खाली होती है। वैसे ट्रेन भी निकल चुकी है अपनी इस कोयम्बतूर से। बाकी आप सभी को जर्नी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात बता दूं, अगर आप कोयम्बतूर आते हैं ऊटी घूमने जाते हो, तो डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन की कनेक्टिविटी है, आप जा सकते हो। यहाँ से एक स्टेशन जाइए, वहाँ से टॉय ट्रेन पकड़ के। लेकिन अगर आपको आदि योगी जाना है, तो डायरेक्ट स्टेशन के बाहर निकलती आप सभी को बस का भी सुविधा है, जो कि 40 रुपये लेता है और आप सभी को आदि योगी फाउंडेशन के पास छोड़ देता है। मतलब आप सभी भी आदि योगी के दर्शन कर सकते हैं मात्र 40 रुपये में जा करके। बाकी चलिए, प्यारा सा सफ़र होने वाला है, शांत और बहुत ही खूबसूरत जर्नी। कोयम्बतूर सिटी, और इस रूट में खूबसूरती तो कूट कूट के भरी है, लेकिन भाई जो हवा का रफ्तार है, वो लग रहा है ट्रेन के लोगों को भी उड़ा देगा। बहुत तेज ही हवा चल रहा है यार। पोलाची जंक्शन, और दोस्तों पोलाची जंक्शन से पहले पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी, अब लगता है, उम्मीद है कि शायद पूरी की पूरी नहीं तो कुछ ट्रेनें तो भरी जाएगी, जिस हिसाब से भीड़ है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी देख सकते हो, भाई पहुँच चुके हैं पोलाची जंक्शन। और ये सारे जो भी स्टेशन आप सुनोगे नाम ना, वो सब आपके लिए नया होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने आज तक अभी इन सब स्टेशनों का नाम नहीं लिया आप सभी के साथ में, क्योंकि ये मेरे लिए पहला बार रूट है, मैं इस रूट को कवर कर रहा हूँ। वैसे ये केवल 3 प्लेटफॉर्म का छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे मात्र भाई 10 ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन ये ट्रेनों के लिए केवल खास नहीं बनाया गया है। यहाँ मालगाड़ी का काफ़ी आना जाना है, क्योंकि जो गिट्टी देख रहे हो ना, इधर गिट्टी के काफ़ी सारे पहाड़ है, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है। और साथ साथ में ये जो पोलाची है भाई, इसे जाना जाता है एशिया के कई बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार, यानी गुड़ के बाज़ार के कारण यहाँ पर गुड़ का बाज़ार है। और ऐसा कहा जाता है साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अगर मवेशी, जहाँ भैंस गाय ये सब बिक्री होता है, वो यहीं पोलाची में है, ये तो शायद कहा ही जाता है। बाकी वैसे अच्छा खासा केवल छोटा सा 2 मिनट हॉल था, लेकिन भाई यहाँ से इस रूट में चढ़ने वाले लोग इस स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन भाई ऐसी ट्रेनों में मज़ा नहीं आता, लेकिन आप सभी को क्या करूँ, भारत दर्शन यात्रा पर जब निकाला हूँ तो भाई स्टेशन पर लोग आए ना आए, ट्रेन में आए ना आए, खूबसूरत नज़ारे दिखाते दिखाते मैं आप सभी को भारत दर्शन यात्रा ज़रूर कराऊँगा। चलिए चलते हैं ट्रेन में, 2 मिनट का छोटा सा हॉल था। और निकल चुके इसे पोलाची जंक्शन से, ये जंक्शन है। वैसे अगर बात करते ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है, और इस स्टेशन पे मात्र 10 ट्रेनें आकर रुकती है, बताइए तो भी इतना खूबसूरत बनाया गया। और कोई भी हमारे बिहार यूपी साइड की जितनी भी ट्रेनें होती हैं, और ये देखिए लास्ट तक स्टेशन देखिए कितना साफ़ सुथरा है। उधर में करीबन एक एक स्टेशन पर 100 से 150 ट्रेनें आकर रुकती हैं, और स्टेशन का हाल देखिएगा तो लगता है कोई कबाड़ खाना हो, पता नहीं है भेदभाव की ओर या यहाँ की सरकारी इतनी ज़्यादा बढ़िया है, या रेलवे का कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा फंडा। और इधर में बिजली का सोर्स लोगों ने खुद से ही अपना टरबाइन बना के कर लिया है, ये देखो बड़े बड़े टरबाइन है यार, और इसके पंखे से अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना बड़ा टरबाइन होगा। और इधर में भाई हवा भी बड़ा तेज का चल रहा है, ये देखो पूरे नारियल के पेड़ के बीचों बीच टरबाइन लगाया गया है।
और ये जो नारियल का पेड़ देख रहे हैं, ये देखिए देखने में केवल भाई इतना छोटा छोटा है, लेकिन नारियल भरपूर है। ऐसे नारियल हमारे तरफ हो तो लोग दिन में ही लेके गायब हो जाए, और ऐसे टर्बाइन तो जल्दी हमारे तरफ होंगे नहीं, कि भाई हवाएं जितनी तेज़ चल रही इधर हमारे तरफ संभव ही नहीं है इतना कभी तेज़ चलता हो। ये देखो हर तरफ की ओर टर्बाइन ही टर्बाइन। ट्रेन अपनी बताऊं पहुंच चुके भाई साहब उदम ले पट्टी रेलवे स्टेशन। मुझे खुद नहीं पता कि भाई मैं कितना सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। देखो भाई स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूँ, देख लेना कि सही बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, मतलब ये नाम ऐसा ऐसा है भाई इधर का, क्योंकि कभी कभी आदमी आता जाता है रहता है, इधर का साउंड होता है तो कुछ समझ में आता है। वैसे तीन प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 10 ट्रेन रुकती है और 10 ट्रेनों के साथ साथ बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इधर देख रहा हूँ, हर तरफ केवल नीम के पेड़ है, नीम के पेड़ आप सभी को दिखेंगे। छोटा 2 मिनट का ट्रेन था, हॉल्ट था, मतलब ट्रेन अपनी खुल चुकी है। और भाई अपने ये कपड़ों की कताई के मिलों के लिए काफ़ी फेमस है, ट्रेन कुछ ज़्यादा ही लग रहा तेज़ हो गया। और निकल चुकी है अपने स्टेशन से, क्योंकि भाई मैं नाम फिर भूल गया, क्या बताऊँ इस ट्रेन का और स्टेशन का नाम मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। बाकी निकलते हैं, देख लीजिए आगे पढ़ लीजिएगा क्या है इस स्टेशन का नाम। ये है इस स्टेशन का नाम मड्डू मप्लेम, जो भी है आप समझ लीजिएगा, उतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। और दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पल्ली रेलवे स्टेशन, और यहां पे देखो भीड़ काफी ही ज़्यादा है इस रेलवे स्टेशन पे, मतलब उतरने वाले लोग और चढ़ने वाले लोगों की दोनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वैसे इसे स्टेशन की बात करूँ तो ये केवल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पूरे 10 ट्रेनें आकर रुक जाती है, लेकिन ये मात्र एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम लोग अभी कोयम्बतूर से आ रहे हैं, जहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट हुआ है। इसी स्टेशन पे अपनी 5 मिनट का हॉल्ट है, इसीलिए मेरे ख्याल से लग रहा है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन ये जो भाई साहब शहर है ना, पूरा का पूरा आसपास से देखोगे तो आप सभी को केवल खूबसूरत पहाड़ी और बहुत बड़ी बादलों से घिरा हुआ पहाड़ का रेंजेस दिखेंगे, जो तो इसे कैमरे से दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, बाकी क्या कीजिएगा। और यहाँ पे मुर्गन स्वामी का पूजा होता है, अब काफ़ी बड़े बड़े इधर में मंदिर भी है। वैसे छोटा सा नहीं, 5 मिनट का हॉल्ट था और हमने सोचा कुछ खाने के लिए, लेकिन ले नहीं पाए, ट्रेन अपनी खुल चुकी है। और अभी कुछ देर पहले इस ट्रेन में कोई भी नहीं था, मतलब सभी की सभी सीटें खाली थी, और भाई अब खड़ा होके चलना पड़ रहा है। बाकी यही है, आगे 1-2 स्टेशन बाद मेरे को ये भी लग रहा उतर जाएंगे, ये लास्ट तक तो कोई भी इसमें से जाने वाले दिख नहीं रहे मेरे को। और ये देखिए पहाड़ी, पहाड़ी पे लग रहा है कि बादल का बारिश हो रहा है, उस तरीके से बादल पूरे पहाड़ में लगे पड़े हैं। ये देखो भाई क्या पहाड़ लग रहे हैं, ये देखो ऐसा लग रहा है कि झरना चल रहा है किसी बादलों का। डिंडुकल जंक्शन, चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुके एक और बहुत ही बड़े रेलवे स्टेशन यानी डिंडुकल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पूरे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, और इस ट्रेन इस स्टेशन पे पूरे 102 ट्रेनें आकर रुकती है। भाई इतना बड़ा, मतलब अब हम लोग इसका कह सकते हो कि हम लोग चेन्नई मेन लाइन पर आ चुके, अब मेन लाइन पर आ चुके। वो सिंगल पटरी था और साइड साइड से निकल रहा था, लेकिन अच्छा दृश्य था उधर भाई, पूरा का पूरा पहाड़ी का पहाड़ी था। और साथ साथ में उन्हीं पहाड़ियों की श्रृंखला में जो ये डिंडुकल है ना, ये अपना फेमस है अपने पलानी हिल्स के कारण, जहाँ पे भगवान मुर्गन है उनकी 6 पहाड़ी हिल्स में से एक पे विराजमान है। वहाँ पे एक मंदिर है, अंदायु तफानी करके ऐसा कुछ मंदिर है, नाम शायद सही ले रहा हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि 450 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ पे बसा हुआ है। बाकी इधर का काफ़ी मतलब फेमस मंदिर कह सकते हो। और साथ साथ में अच्छा खासा हॉल्ट है, 3 मिनट का था लेकिन अपनी ट्रेन 10 मिनट पहले, तो मतलब 10 से 13 मिनट के बीच में
अपनी ट्रेन रुकेगी, खाने पीने के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन कोई पापड़ जैसा चीज मिल रहा है ले लेते हैं यार, भूख बहुत तेज का लगा अपने को। तो ऐसा कुछ मुर्गी बिक रहा है जो कि ये सभी ने ले रखा है, पता नहीं है किस चीज़ का है, वैसे तो होगा अधिक से अधिक चांस है कि दाल का ही, देखते हैं इसका टेस्ट है कैसा है। अब बात करें इसका टेस्ट की, इस मुर्गी का, तो ये हल्का चावल और मतलब ये चावल का ही लग रहा है, 30 रुपये का दिया है, अच्छा है। और निकल चुका है भाई डिंडुकुल से और खाते खाते चलेंगे, टेस्ट अच्छा है। आप आने तो कोई नया चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो, पैसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। दोस्तों देख सकते हो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है मदुरई के मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वैसे अगर बात करूँ इस ट्रेन जर्नी की तो खूबसूरत नज़ारे तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन मैंने एक शब्द भी किसी भी दूसरे आदमी से बात नहीं कर पाया भाई, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे अगर बात कर रही है तो ये जर्नी और ट्रेन बहुत अच्छा था, लेकिन ये जर्नी है यही ख़त्म नहीं होने वाला है। आप सभी को मैं घुमाने के लिए लेके जाऊंगा मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है और अभी 9 बजे तक ये खुला रहेगा, तो भाई आप सभी को घुमा भी सकता हूँ। चलिए चलते पहले मंदिर, वरना बंद हो जाएगा तो आप सभी को दर्शन भी नहीं करा पाऊँगा मैं। तो दोस्तों देख सकते हो पहुँच चुका हूँ मैं मीनाक्षी टेम्पल के बाहर, और ये देखिए ये मैं आया हूँ उत्तरी गोपुरम की तरफ, और ऐसे बात करूँ तो यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या क्या है, जब आइएगा तो उत्तरी गोपुरम की तरफ आइएगा तो आपका यहाँ पे चप्पल बैग और मोबाइल वोबाइल रख लिया जाएगा, बैग रखने का केवल 2 रुपये और चप्पल मुफ्त, और जो मोबाइल है उसका 5 रुपये लगता है। बाकी यहाँ से ही फिर ये जो लाइन देख रहे हैं इसी रो में घुस के आप चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। और भाई दर्शन करने के लिए कम से कम आप सभी को 5-6 घंटे से ज़्यादा समय लेकर आइएगा, क्योंकि ये भाई मैंने आज तक लाइफ में इतना बड़ा मंदिर नहीं देखा था जितना बड़ा इसका कैंपस है। मैं तो कुछ नहीं घूम पाया, 2% का 1% भी नहीं घूम पाया हूँ, बस अंदर गया दर्शन के लाइन में लगा और बाहर निकल के आ गया प्रसाद खा के। बाकी मेरे को मौका मिलेगा तो फिर कभी ज़रूर आऊँगा और आराम से 8-10 घंटे घूमूंगा। अगर आप कभी सच में घूमने ही आते हो तो 8-10 घंटे से कम समय मत लेके आना, वरना इस विशाल और भव्य मंदिर को दर्शन नहीं कर पाओगे बढ़िया से। बहुत सारी खूबियां हैं जो कि मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इन्हें देखा बढ़िया तरीके से, तो आपको क्या बताऊं। बाकी इतना पता है कि मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत सारे मंदिर घूमे लेकिन ऐसा नहीं देखा। लेकिन एक बार मैं रामेश्वरम गया था, रामेश्वरम की कुछ चीज़ें हैं जो कि इससे मिलती जुलती है, बाकी इसको अगली बार ज़रूर आऊँगा मैं और पूरे 8-10 घंटा लेके एकदम कवर करूँगा पूरा। अंदर में मोबाइल वोबाइल तो नहीं ले जा सकते लेकिन अपने दिमाग में बैठा के घूमना है। बाकी आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद बहुत जल्द आओगे और दर्शन करोगे और 8-10 घंटा लेके आओगे, इससे कम समय में भाई मत आना, कोई जरूरत नहीं आप सभी का आने का। बाकी आप सभी को अगर ये जर्नी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट शहर में किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।